खुशखबरी, एक साल बाद टीम इंडिया में लौटा जूनियर धोनी, रातों रात हुआ अफ्रीका रवाना। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, किस तरीके से जूनियर धोनी टीम इंडिया से जुड़ चुका है और वो भी एक साल के बाद, सब कुछ बताने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हार चुकी है और वो फाइनल शायद ये खतरनाक फिनिशर के ना होने की वजह से हार गई भारतीय टीम, क्योंकि सूर्य कुमार यादव उतना अच्छा फिनिश कर नहीं पाए जितना अच्छा उनसे उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से 4-1 से हराया। पर अब बारी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी मजबूत टीम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब हमें उसके घर में खेलना है। अब तक ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में खेल रही थी, इस वजह से हम थोड़ा सा अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब हमें साउथ अफ्रीका जाना है। वहां की उछाल भरी पिचेस और भारत के बल्लेबाज जो कि उछाल भरी पिचेस के इतने आदि नहीं है, उनके लिए एक प्रॉब्लम सिचुएशन आ सकती है। पर दोस्तों, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन का नाम है भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, हाल ही में यहां पर एक बहुत बढ़िया खबर आई है। दरअसल दोस्तों, आज से एक साल पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। ऐसे ही यहां पर दोस्तों जाड़े का मौसम था जब ऋषभ पंत अपनी कार लेकर यहां पर दोस्तों रुड़की अपने होम टाउन जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, रुड़की पहुंचने से पहले रास्ते में ही ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद उन्हें नींद आ गई या कोई और कारण हो गया, क्योंकि कार उनकी सीधे डिवाइडर से टकराई और यहां पर दोस्तों कार पूरी तरीके से जलने लगी। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने ऋषभ पंत को उतारा और उन्हें कार से दूर रखा ताकि वो पूरी तरीके से सेफ रहे, क्योंकि कार तो पूरी तरीके से जल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत को ज्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था उस तरीके के एक्सीडेंट से लग नहीं रहा था कि ऋषभ पंत कभी भी क्रिकेट के फील्ड पर वापसी कर पाएंगे। लेकिन जिस यहां पर दोस्तों मौके पर जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद की वजह से ऋषभ पंत को कम चोट आई, और इतनी कम चोट थी कि उन्होंने एक साल में यहां पर दोस्तों उस चोट को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। आज से 6-7 महीने पहले ही कुछ तस्वीरें आई थी जब ऋषभ पंत बैसाखी के सहारे से चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी 1 महीने पहले जब खबर आई कि ऋषभ पंत जिम में पहुंचे तो उनके फैंस बिल्कुल हर्ष उल्लास हो गए। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, इसको सुनकर तो आप बिल्कुल ही खुशी से झूम उठोगे। दरअसल दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है उसमें जो भारतीय टीम जा रही है उसमें यहां पर ऋषभ पंत भी जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों ऋषभ पंत वहां पर मैच खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे ताकि ऋषभ पंत टीम के माहौल में ढल सके। ऋषभ पंत को यहां पर दोस्तों टीम से जोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ताकि वो क्रिकेट को अब धीरे धीरे थोड़ा सा पास से देखे, क्योंकि अब ऋषभ पंत के भी वापसी का समय आ रहा है। पंत कुछ ही महीनों में दोस्तों टीम इंडिया में वापसी करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेन विकेट कीपर बल्लेबाज हो सकते हैं। बस ऋषभ पंत को आना है और अपने बल्ले से दोस्तों कमाल दिखाना है। ऐसे में दोस्तों, अफ्रीका सीरीज में ऋषभ पंत को ले जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ BCCI का यही मोटिव है कि ऋषभ पंत अब क्रिकेट के पिच से कुछ दिन ज्यादा दूर ना रहे, भले वहां जाके ना खेले लेकिन कम से कम देखें। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब चेन्नई में हमने देखा ऋषभ पंत को, वो क्रिकेट के ग्राउंड पर बैठे थे और जो क्रिकेटर्स खेल रहे थे उनकी तारीफें भी कर रहे थे। इससे क्लियर हो गया था कि ऋषभ पंत अब अफ्रीका जाएंगे, भले वो क्रिकेट वहां खेले या फिर नहीं। अब आपको क्या लगता है, क्या पंत वापसी करेंगे तो पुराने वाले ही पंत रहेंगे या चोट की वजह से उनकी फॉर्म खराब हो जाएगी? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।